नबी पाक की हदीस है कि अव्वल मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, औसत मोहम्मद, इसका क्या मतलब जी? अव्वल मोहम्मद, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औसत मोहम्मद, औसत दरमियान, बस बस औसत। सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने बनाया ना, अपने अक्स को देखना चाहकर मैं देखूं कैसा हूं, सबसे पहले तो वो जो अक्स था ना, वो रूह बन गई। वो सबसे पहले जो पहले रूह बने वो हजूर पाक के दीना। तो आखिर में भी मैं ही हूँ, तो आखिर आखिरी नबी आप ही हैं। तो वस्त में अब थोड़ा सा बात समझने की है। पीछे कुछ कब्रें खोदी गईं, 10,000 साल पुरानी कब्रें खोदी, उनमें अल्लाह लिखा हुआ था, सुना होगा ना? जबकि अल्लाह जो है ना, सिर्फ हुजूर पाक को मिला और किसी नबी को नहीं मिला लफ्ज़ अल्लाह। हुजूर जबकि आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए 6,000 साल हो गए, हुजूर पाक को 1,400 साल हो गए, तो 10,000 साल पुरानी वहां अल्लाह कैसे चला गया? जिस तरह हाबील और काबील, हारूत और मारूत इस दुनिया में आए थे, सिखा के चले गए ना, इसी तरह हुजूर पाक की रूह मुबारक वस्त में भी आ चुकी है। जिसम यहाँ मिला है इनको, तब आपने कहा कि मैं इस दुनिया में आने से पहले भी नबी था। आपको कह रहे हैं रहमतुल आलमीन कहा गया, ऊपर तुम्हारे सियारे हैं, वहां भी दुनिया है, वहां भी आपकी रूह मार के जा चुकी है, उनको भी इस्लाम मुसलमान बनाया उन्होंने जाके। तब आप हम सब आलमों के लिए ना, लेकिन उस वक्त रूहानी तौर पे जाते रहे। इस सदी में इस आदम में उनको जिस्म मिला है, इससे पहले कई आदम आ चुके हैं, कई दफा क़यामतें आ चुकी हैं इस दुनिया।